नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता देंगे, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के लिए ट्राय द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़े अच्छे नहीं रहे। ट्राय द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 12.9 मिलियन यानी 1,29,00,000 ग्राहकों ने देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, दूसरी तरफ बीएसएनएल से 1.1 मिलियन यानी 11 लाख और भारतीय एयरटेल ने 0.47 मिलियन यानी 4,70,000 यूजर्स जोड़े। वही वोडाफोन आइडिया से 16 लाख यूजर्स अलग हो गए। जी आपको बता दें, जी हाँ, बीएसएनएल को मिला फायदा। जी हाँ, मार्केट शेयर के मामले में रिलायंस जियो के पास 36%, उसके बाद भारतीय एयरटेल के पास 30.81%, वोडाफोन आइडिया के पास 23% और बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास क्रमशः 9.90% और 0.28% है। बीएसएनएल ने प्रभावी ढंग से महीने के दौरान सबसे अधिक ग्राहकों को जोड़ा है। ऐसे में जब दूर संचार कंपनी 4G नेटवर्क लॉन्च कर देगी तब उसकी तरफ और ज्यादा लोग जा सकते हैं। बीएसएनएल की अभी देश भर में 4G नहीं है। हालांकि कंपनी को सस्ते टैरिफ फायदा मिला है। दिसंबर में जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने नए डेटा प्लान लागू कर दिए थे। जी हाँ, आपको बता दें, 85.4 लाख यूजर्स ने नंबर पोर्ट कराया। दिसंबर के दौरान 8.54 मिलियन यानी 85,40,000 मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी किए गए, जिनमें 4.91 मिलियन अनुरोध जोन 1 से और शेष 3.63 मिलियन अनुरोध जोन 2 से आए। एमएनपी जोन 1 में सबसे ज्यादा अनुरोध महाराष्ट्र में किए गए, जबकि एमएनपी जोन 2 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएनपी